पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो एक माह के अंदर अंदर चार बहुत बड़े फैसले जो हुए, जिसमें असेंबली में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ भारी अक्सरियत से, जो उमर साहब ने अपने काबीना में स्टेट का रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉलो अप करके होम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ले लिया। तीसरा, जो यहाँ के जो बच्चे थे और उनके जो वालिदैन थे उनके बारे में जो नवंबर सेशन की बहुत डिमांड थी वो वापस किए, और जो एज रिलैक्सेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की उसके ऊपर, ये चार फैसले माह एक महीने में फैसला करना ये बहुत बड़ी बात है। हम वादाबंद हैं कि जो हमारे 12 गारंटीज हैं और 26 वादे जो हमारे मंशूर में हैं, हम उसको बहुत उसके ऊपर कायम दायम है और वो पूरा ज़रूर करेंगे। ये 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, और 5 साल के माह में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस सब चीज़ों को पे अमल करेंगे। आप लोगों से एक पूरी दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उनके ऊपर जितने भी मसाइल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम करेगा। बिजली के बारे में जो है 200 यूनिट की बात है उस पर भी बातचीत चल रही है, जो राशन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पर भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत।